हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेजिन आर्ट्स। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने जीमेल अकाउंट्स पर जो फालतू की जो मेल्स आती हैं, जो नोटिफिकेशन आती हैं, आप उन्हें कैसे बंद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी साइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर हमें लॉगिन करना होता है, या हम अपने फ़ोन में भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर हमसे जो लॉगिन करने को बोलता है कि तो हम वहाँ पर अपनी जो आईडी से लॉगिन करते हैं। तो बाद में क्या होता है, हम उसे यूज़ करने के बाद उस साइट को बंद कर देते हैं, या उस जो फ़ोन में जो अपने ऐप इंस्टॉल किया है उसे हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। बट लेकिन क्या होता है, जो हमारी जो ईमेल अकाउंट है, जो वहाँ पर जीमेल अकाउंट है, जो वहाँ पर सेव हो जाता है, तो उसके ज़रिए फिर हमारे पास जो हमारी साइट है, जो हमारी जो ऐप है, यहाँ पर अपने अपने जो हमने आईडी डाला था, जो मेल अकाउंट जो हमने डाली है वहाँ पर, तो उससे रिलेटेड हमें नोटिफिकेशन हमारी मेल पर आती रहती हैं। बट लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस साइट से या इस ऐप से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मेरी मेल पर ना आए और आप उसे बंद करना चाहते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ आसान सी टिप्स बताऊंगा आपको, और उसके यूज़ करने के बाद अपनी जो फालतू की नोटिफिकेशन जो आपकी मेल पर आ रही है, जो आपको मेल को भरे जा रही है, उसे आप बंद कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से बंद कर पाएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपनी मेल में आना है। तो जैसे मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट जो है ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं कोई भी मेल आईडी ले लेता हूँ। वैसे तो ये मेरी सारी काम की है, तो मैं यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये पेटीएम मॉल। तो मैं यहाँ से ये वाली जो मेल आईडी है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जो ये मेल है, इससे रिलेटेड मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन ना आए। तो आपने क्या करना है, तो आप देखेंगे जैसे आप वो मेल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन शो होगा, अनसब्सक्राइब। अगर आपको स्टार्टिंग में ओपन शो ना हो रहा हो तो आपको ये एंड में शो होगा। देखिए, यहाँ पर एंड में भी शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, तो सीधा आपने कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर इसको अनसब्सक्राइब कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको अनसब्सक्राइब कर देना है। अनसब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी इस साइट से आपको, या कोई ऐप है उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपकी मेल पर आ रही है, तो वो आनी बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सी टिप्स है, वो आपको मेल जो आपको नोटिफिकेशन आ रही है वो बंद हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसे अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से हमने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया। अब हमें इस साइट से कोई भी नोटिफिकेशन हमारी मेल पर नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप कोई मेल ओपन करते हैं और वहाँ पर आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं शो होता है, वैसे तो ऐसे होने वाला नहीं है, आपको जरूर शो होगा, स्टार्टिंग में नहीं तो एंड में। अगर आपको फिर भी, आपको अगर कोई सी साइट्स पे अगर अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपने क्या करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं थ्री डॉट, यहाँ को आपको थ्री डॉट पे आना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ब्लॉक ब्लॉक पेटीएम मॉल, आपको जो भी आपकी साइट है उसका यहाँ पर जो नाम होगा वो शो होगा, तो आपको उसको यहाँ से ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने के बाद आपको उस साइट से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो ये हमारी थी दूसरी टिप्स। अब तीसरी टिप्स क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अपनी जो आपका अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए, गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारी जो जीमेल अकाउंट पे जो हमारी इमेज होती है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको अपना आना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो होगा, पेज ओपन होगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको थर्ड वाले पर आना है, सिक्योरिटी। ये थर्ड वाले पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा, थर्ड पार्टी ऐप विद अकाउंट एक्सेस। ये वो है जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, जो ऐप्स होती हैं आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ पर अपना जो अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, वहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। बट लेकिन बाद में उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमने किस ऐप पे किया था, कैसे किया था। तो ये वही है। तो आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं यहाँ पर मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपने जिस जिस ऐप्स पे जो आपने लॉगिन किया था, ये देखिए वो सारी आएंगी। ये मेरी सारी काम की है, बट लेकिन मैं फिर भी दिखाने के लिए आपको यहाँ पर किसी एक ऐप को करके दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते। तो मैं यहाँ से अभी ये जो देख रहे हैं आप अपनी, मैं एक ये ऐप है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, रिमूव एक्सेस। मैं यहाँ पर, आप जैसे ही आप यहाँ पर रिमूव एक्सेस करेंगे, तो आपके पास इस ऐप से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपकी मेल पर आनी बंद हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ रिमूव एक्सेस। ये देखिए, यहाँ से कर देता हूँ ओके।
अब क्या होगा, अब ये हमारी जो देख रहे हैं आप बंद हो गई। अब हमें उस ऐप से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हमारी जीमेल अकाउंट पर नहीं आने वाली। तो ये तो रही ऐप की बात। अब बात करते हैं हम साइट की। जैसे कि किसी हम साइट पर जाते हैं अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर कोई साइट ओपन करते हैं, तो वहाँ पर हम लॉगिन कर देते हैं, जो हमारा पासवर्ड सेव हो जाता है, तो वहाँ पर हमें नोटिफिकेशन आती है उस साइट से। तो आपने क्या करना है, आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये देखिए आपके ऑप्शन होंगे तीन। ये तीन ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो आपको ये जो एंटर वाला ऑप्शन है, जो बीच वाला पासवर्ड मैनेजर, जो आपको इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड चेकअप इस तरह से एक ओपन होगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं मेरी यहाँ पर सिर्फ एक ही साइट है जिस पर मैंने विजिट किया था, जहाँ पर मैंने लॉगिन किया था, और ये मेरे काम की है। बट लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ से आपको एक बार दिखा के करूँगा कि मैं आप इस साइट से, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई नोटिफिकेशन ना आए, तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे ये एक बार आपका जो आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड है ये आपसे पूछेगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ से अपना पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे, तो आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। जो भी साइट है, मेरे पास सिर्फ एक ही साइट है, वो मेरे बड़े काम की है, बट लेकिन मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखिए मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ से क्या होगा, अब मुझे इस साइट से रिलेटेड कोई भी, ये देखिए अब मुझे किस साइट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। देखा आपने, अब मुझे इस साइट से रिलेटेड कोई भी मैं जो है नोटिफिकेशन नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, इस कुछ आसान सी टिप्स को आप यूज़ करके अपना जो है अपनी जो आपकी जो मेल पर जो फालतू की मेल से नोटिफिकेशन आती है उन्हें बंद कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।